नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y200 5G versus Realme GT Neo 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y200 5G में 6.39 इंच जबकि Neo 6 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y200 5G में 2.95 इंच जबकि Neo 6 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y200 5G में 0.3 इंच जबकि Neo 6 में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y200 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y200 5G में 190 ग्राम जबकि Neo 6 में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y200 5G में 6.67 इंचेस जबकि Neo 6 में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y200 5G में 1080x2400px FHD+ और Neo 6 में 1264x2780px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y200 5G में 88.39% जबकि Neo 6 में 91.22% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y200 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Neo 6 में 450 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y200 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 6 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में 8MP f/2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y200 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Neo 6 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y200 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Neo 6 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y200 5G में Adreno 619 जबकि Neo 6 में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y200 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 और Neo 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Y200 5G में 8GB जबकि Neo 6 में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y200 5G में 128GB जबकि Neo 6 में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y200 5G में Android V13 जबकि Neo 6 में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Y200 5G में 4800 mAh जबकि Neo 6 में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y200 5G में 2 कलर्स जबकि Neo 6 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Y205G 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Neo 6 की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 35,090 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y205G में 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT Neo 6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y205G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Neo 6 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Vivo V35G है, तीसरा Vivo V30 Pro 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।